कुछ ऑल्टरनेटिंग एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो हमारे एब्स को साथ ही साथ पेल्विक और बैक को भी मजबूत बनाएगा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा मेहरा, योगा एंड वेलनेस प्रैक्टिशनर। आज मैं बात करना चाहूंगी कोर स्ट्रेंथ पर। देयर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट कोर स्ट्रेंथ। मैनी पीपल थिंक इट्स ऑल एब्डोमिनल्स। एब्डोमिनल्स आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, हाउएवर यू नीड टू हैव गुड पेल्विक एंड बैक स्ट्रेंथ टू गो अलोंग विद द एब्स। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिंग एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो हमारे एब्स को साथ ही साथ पेल्विक और बैक को भी मजबूत बनाएगा। तो करें कुछ एक्सरसाइजेस। अल्टरनेट आर्म्स लेग्स एक्सरसाइज। इसके लिए इनहेल करते हुए अपना राइट आर्म और लेफ्ट लेग को उठाएं और स्ट्रेच कीजिए। सिमिलरली अब इसे आप दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग को स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार दोहराएं। नेक्स्ट हम करेंगे द सुपरमैन। उसके लिए आप इनहेल करते हुए दोनों हाथ और दोनों पांव को एक साथ स्ट्रेच करके उठाएंगे। जब आप ऐसा कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपके कोर मसल्स एंगेज हो जाएंगे एंड यू विल फील अ गुड स्ट्रेच इन योर स्टमक एंड एट द सेम टाइम एट योर बैक। थर्ड हम करने वाले हैं स्विमर। इसे करते हुए आप अपने हाथों को अपने फेस के नीचे रखें और लेग्स को इस तरह से मूव करें जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं। मूव करते जाएं और इसे 4 से 5 बार रिपीट करें। आप अपने हाथों को सामने की तरफ खोलकर भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे दैट इज एयरप्लेन। दोनों हाथों को साइड्स में खोलते हुए हमें एक एयरप्लेन की तरह अपनी बॉडी को मूव करना है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की ओर। अगर पैर खींच कर रख सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज बिगिनर्स पैर नीचे रखते हुए भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज द एल्बो प्लैंक वॉक। इसके लिए शोल्डर मसल्स का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एल्बो पर आ जाएं और लिफ्ट योर हिप्स एंड वॉक बाय मूविंग योर एल्बोज अहेड लाइक दिस। नेक्स्ट इन द रो इज क्रंच प्लस। क्रंच प्लस के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाएं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए अपने हेड को और शोल्डर्स को लिफ्ट करें। आप इसे और आसानी से कर सकते हैं अगर आप इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ करें। अब हम करेंगे ब्रिज विद लेग एक्सटेंड। ब्रिज बनाने के लिए आप अपनी लेग्स को फोल्ड करें और अपने पैरों को अपने हिप्स के पास ड्रॉप करें। स्लोली स्लोली लिफ्ट योर हिप्स अप एंड एक्सटेंड योर राइट लेग लाइक दिस। टो
पॉइंटेड रखें। आप अपनी लेग यहाँ तक भी रख सकते हैं और अगर कर सकें तो लेग को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, कोर मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी। लेफ्ट लेग स्ट्रेच एंड टो पॉइंटेड, और जब आप पैर ऊपर की तरफ लाएं तब आप अपने पांव को अपनी तरफ पॉइंट करें। इस प्रक्रिया को आप अगेन 4 से 5 बार दोहराएं। लास्ट में अब हम करेंगे द फिनिशर। इसके लिए आप उठाएं अपना राइट पाम ऊपर और लेफ्ट हैंड शुड बी क्लोज टू दैट, स्ट्रेच करके रखें। मेक श्योर आपके दूसरा पाम और दूसरा हाथ मैट से ऊपर रहे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेट्स डू इट फ्रॉम द अदर साइड। इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार ज़रूर दोहराएं। अंत में शवासन में लेटकर अपने श्वासों को नॉर्मल करने का प्रयास करें। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। ये ज़रूरी नहीं कि आप सब एक्सरसाइजेस एक ही दिन में करने की कोशिश करें। चूज वन ऑन वीकली बेसिस और मे बी डेली बेसिस एंड कीप डूइंग। Core exercise trains the muscles in your pelvis, lower back, hips, and abdomen to work in harmony. This leads to better balance and stability, whether on the playing field or in daily activities. If you like my videos, kindly subscribe, like, and share with your friends. In the end, I only want to say, do something that your future self will thank you for. Bye-bye.